मॉर्निंग क्लास है मैम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपने चैप्टर एयर एंड हिस्ट्री ऑफ लाइफ की वर्ड मीनिंग कॉपी में किया था और कुछ एक्सरसाइज आपको बुक में करने के लिए दिया गया था और कुछ एक्सरसाइज आपको कॉपी में करना था। आज हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर कैन वी फाइंड एयर। हमें एयर कहाँ मिलती है? तो आंसर आ गया कि एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर बट वी कैन नॉट सी, वी कैन ओनली फील इट। एयर जो है चारों तरफ मौजूद होती है पर वो हमें दिखाई नहीं देती, बस उनसे हम फील कर सकते हैं। तो स्पेलिंग देखिए, ए आई आर एयर आई एस एस पी आर ई एस पी एन प्रेजेंट ई वी ई आर वाई डब्ल्यू एच ई आर यू एवरीवेयर बी यू टी बर्ड वी डब्ल्यू ई वी सी ए एन सी ए डबल एन ओ टी कैन नॉट एस डबल ई सी आई टी इट वी कैन ओनली डब्ल्यू ई वी सी ए एन कैन ओ एन एल वाई ओनली एफ डबल ई एस टी ए आई आर एन एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर बट वी कैन नॉट सी वी कैन ओनली फील इट। हम एयर जो है हमारे चारों तरफ मौजूद है, हम उसे देख नहीं सकते बस उसे हम फील कर सकते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल होता है आपका, वायुमंडल क्या है। तो सेकंड आप देखेंगे द एटमॉस्फेयर फ्रॉम अ प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑल अराउंड द अर्थ। एटमॉस्फेयर होता है वो हमारे अर्थ को चारों तरफ से प्रोटेक्ट किए हुए हैं, यानी कवर किए हुए हैं। स्पेलिंग देखिए, टी एच ई द ए टी एम ओ एस पी एच ई आर द एटमॉस्फेयर एफ ओ आर एन एस फ्रॉम ए पी आर ओ पी ई सी टी आई ई प्रोटेक्टिव कवरिंग सी ओ वी ई आर आई एन जी कवरिंग ए डबल एल और ए आर ओ यू एन अराउंड टी एच ई डी ए आर टी एच अर द एटमोस्फियर फॉर्म्स एन प्रोटेक्टिव कवरिंग और अराउंड द अर्थ। फिर थर्ड हमारा क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन कैरेक्टर्स ऑफ एयर। तो आप देखेंगे द मेन कैरेक्टर्स ऑफ एयर आर एयर कैन नॉट बी सीन। फिर सेकेंड है आपका एयर इज कलरलेस। फिर थर्ड है आपका एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। फिर फोर्थ है आपका एयर हैज वेट। स्पेलिंग देखिए, टी एच ई द एम ए आई एन ए सी एच ए आर ए सी टी ई आर आई एस टी आई सी एस रिलेटिव ऑफ ओ एल ए आई आर एयर ए आर ई आर। कौन कौन से हमारे होते हैं? फर्स्ट है आपका एयर कैन नॉट बी सीन। एयर को हम देख हवा को हम देख नहीं सकते, ए आई आर एयर सी ए डबल एन ओ टी कैन नॉट बी ई बी एस डबल ई एन सी हवा को हम देख नहीं सकते, एयर कैन नॉट बी सीन। फिर सेकेंड है हमारा एयर इज कलरलेस, हवा का कोई कलर नहीं होता, वो कलरलेस होती है। ए आई आर एयर आई एस एस सी ओ एल ओ यू आर एल ई डबल एस एयर इज कलरलेस। फिर हमारा थर्ड एयर ऑक्यूपाइड स्पेस, ए आई आर एयर ओ डबल सी यू पी आई ई एस एस ई ए सी ई स्पेस, हवा जो है एक उचित मात्रा में अपना जगह लेती है। फोर्थ है हमारा एयर हैज वेट, एयर में वेट होता है। ए आई आर एयर एच ए एस एस डब्ल्यू ई आई जी एस टी वेट। ये एयर ऑक्यूपाई स्पेस में आपको बताया गया था कि आपको बलून लेना, उसको फुलाना है। और फोर्थ जो है आपका एयर है वेट में आपको एग्जाम्पल दिया गया था, दो बलून को भी ले सकते हैं, सेम साइज का बलून आपको लेना था, एक को फुलाना था एक को नहीं फुलाना था, उसको तराजू पे रखना था। जो बैलून आपने फुलाया है वो नीचे रह जाएगा और जो आपका बिना फुला बैलून है वो ऊपर उठ जाएगा, जिससे हमारा क्या पता चलेगा एयर में हमारे वेट। आइए फोर्थ क्वेश्चन,
तो आप सभी को पता है कि हम सभी को जीवित रहने के लिए और सांस लेने के लिए हवा की जरूरत होती है। तो आंसर हम लिखेंगे ऑल लिविंग बींग्स नीड एयर टू ब्रीथ। ए एल ऑल एल आई वी आई एन जी लिविंग बी ई आई एन जी एस बींग्स एन डब्ल्यू ई डी बी ए आई आर एयर पी ओ टू वी आर ई ए पी एच ई बी। सभी जीवित सभी को जीवित रहने के लिए सांस लेने के लिए हवा की आवश्यकता होती है। फिर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन यानी से आप क्या समझते हैं। तो आंसर में आप लिखेंगे एन अनड्रिजिबल चेंज इन द क्वालिटी एंड कंपोजिशन ऑफ एयर विच इज हार्मफुल Life is called air pollution। जो चीज हम नहीं चाहते हैं, जो चीज बदली नहीं जा सकती है, composition में संरचना होती है of the air, which is harmful, जो कि हमारे लाइफ के लिए हार्मफुल यानी हानिकारक होता है, उसे हम एयर पॉल्यूशन कहते हैं। स्पेलिंग देखिए ए एन वाई एन यू एन डी ई एस आई आर ए बी एल ई अनड्रिजिबल सी एच ए एन जी बी चेंज आई एल एन टी एच ई द क्यू यू ए एल आई टी वाई क्वालिटी ए एन एन सी ओ एम पी ओ एस आई टी आई वाई कंपोजिशन ओ एफ ऑफ एयर ए आई आर एयर डब्ल्यू एच आई सी एच बीच आई एस इज हार्मफुल एच ए आर एम एफ यू एल हार्मफुल टी ओ टू एल आई एफ लाइफ आई एस एस सी ए डबल एल ई डी कॉल्ड ए आई आर ए एल पॉल्यूशन पी ओ डबल एल टू टी आई ओ एल पॉल्यूशन। तो आपको वो एनी अनड्रिजिबल चेंज इन द क्वालिटी एंड कंपोजिशन ऑफ एयर विच इज हार्मफुल टू लाइफ इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। ये हमारा क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर का कंप्लीट हो गया है। फिर आप बुक में पेज नंबर 43 में देखेंगे टिक द करेक्ट ऑप्शन एयर कैन बी, आप उसे देख सकते हैं या फील कर सकते हैं। तो आप फील करते हैं तो आप बी वाले पे टिक करेंगे। फिर है आपका एयर कंटेंस अ लाइफ गिविंग गैस कॉल्ड, एयर में कौन से गैसेस हमें जीवित रहने के लिए मिलती हैं, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम सांस जो लेते हैं वो ऑक्सीजन गैस को लेते हैं, तो यहाँ आप ऑक्सीजन गैस पे टिक करेंगे। फिर है हमारा थर्ड चिमनीज इन इंडस्ट्रीज शुड बी फिटेड विथ ट्रीज या एस ट्रैपर्स, तो आप यहाँ एस ट्रैपर्स लगाएंगे ना कि पेड़ के ऊपर लगेगी। फिर है फोर्थ आपका ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज टू गेट पॉपुलेशन या एयर फ्रेश, हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ लगाएंगे तो क्या होगा, हमारा जनसंख्या बढ़ेगा यानी पोल्यूशन बढ़ेगा, प्रदूषित होगा या फ्रेश एयर मिलेगा या आपको ताज़ा हवा मिलेगी। तो हमें ताज़ा हवा मिलेगी ज़्यादा प्लांट्स लगाने से, तो आप फ्रेश एयर करेंगे। फिर है हमारा मैच द सेंटेंस विद द रिपेक्टिव पिक्चर्स, ये आपको कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, आपको इससे पढ़ के उसको मैच करना है। इट शो दैट एयर हैज़ वेट, किस पिक्चर में आपको शो हो रहा है कि एयर में वेट है, तो आपका सी में है तो सी आपको मैच करना है उस फर्स्ट वाले से। इट शो दैट एयर इज नेसेसरी फॉर बर्निंग, जलाने के लिए भी आपको एयर की ज़रूरत होती है तो उसको आपको मैच करना है। इट इज़ वन ऑफ द मेन सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन, और कौन मेन सोर्सेज है आपके एयर पोल्यूशन का उसे भी आपको मैच करना है इसमें से देखकर। दिस एक्ट हेल्प अस टू गेट मोर क्लीन एंड फ्रेश एयर, किसके थ्रू हम जो है अपनी एयर को ज़्यादा मात्रा में साफ और फ्रेश मतलब ताज़ा पा सकते हैं, तो प्लांट्स लगाने से। तो आप इसमें से देखेंगे पिक्चर को फिर उसको उसके सही ऑप्शन के आगे मैच करेंगे। ये दोनों एक्सरसाइज आपको बुक में करनी है,
बस क्वेश्चन आंसर जो आज आपको लिखवाया गया उसे आपको कॉपी में करना है और ये फिल द ब्लैंक्स आपको कॉपी में करना है और यस और नो आपको कॉपी में नहीं बुक में करना था। ये तीन एक्सरसाइज आपको सिर्फ बुक में करना रहेगा। थैंक यू।